ठीक है। सबसे पहले ये कर्व बनाना है, याद रखो लिख के आप पीछे आना ऑनलाइन मेरे बच्चों। सर ठीक है देखो क्या था बच्चों, चेंजेस पोटेंशियल से क्या था, नेगेटिव ऑफ वर्नर बाय कंजर्वेटिव, ये था ना। तो डीयू बच्चों क्या सिखा रहा है आपका, स्मॉल चेंज ही तो है, वही तो है, नेगेटिव ऑफ वर्नर बाय कंजर्वेटिव फोर, क्या होगा बच्चों आपका, ये तो होगा। अरे ये होगा ना बच्चों, अरे बोल दो, मान लो एफ और डी आर सेम डायरेक्शन में है तो डी यू क्या आ जाएगा, अरे आगे नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो एफ क्या आ जाएगा बच्चों, अरे आगे नहीं आ जाएगा, ठीक है, यही कह रहा है। देखो बच्चों हर एक स्टेटमेंट का डिफरेंट मीनिंग होता है हर एक क्वेश्चन का, तो एफ सी क्या हो गया आपका, माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है। ऊपर वाला क्या बता रहा है बच्चों बताओ, ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या बता रहा है, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा क्या बता रहा है बच्चों, ध्यान देना ये स्केलर फॉर्म मैंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पर एफ क्या है जैसे बच्चों उसको मैग्नीट्यूड बता रहा है, अरे इधर तो बच्चों वेक्टर है, ये तो स्केलर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, अब इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म भी लिखूंगा। क्या बता रहा है डी यू बाई डी आर, क्या बता रहा है, अरे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बता रहा है ना बच्चों, ये बता रहा है ना, क्योंकि इसी से नहीं बताता है। और माइनस क्या दिखा रहा है, मतलब बच्चों अगर सोचो डी यू बाई डी आर आपका बढ़ रहा है, हाँ पोटेंशियल एनर्जी का जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अपोजिट लगेगा, मतलब ऐसा समझो अगर डी यू बाई डी आर क्या है बच्चों पॉजिटिव, तो एफ क्या आएगा नेगेटिव। इसको ऐसा समझो कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है जिधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है ना उसके अपोजिट लगता है, बस मैडम जिधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है उसके अपोजिट लगता है, या कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जिधर बच्चों बढ़ रही है उसके आपका नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर है। एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं बच्चों मास एल है इस बॉडी का, फोर्स कितना लग रहा होगा एमजी, पोटेंशियल एनर्जी किधर बढ़ेगी बच्चों, ऊपर, अरे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी बच्चों, और फोर्स किधर लग रहा है नीचे, तो ये बता रहे नहीं बता रहा बच्चों, जिधर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी उसके अपोजिट। मान लो तुमने dx डिस्टेंस बच्चों ऊपर किया तो पोटेंशियल एनर्जी dU कितना हुआ mg dx, अरे बड़े नहीं बड़ा बच्चों, dU by dx करो क्या आएगा mg आ जाएगा, बट mg तो आपका ठीक है नीचे लग रहा है तो क्या लगना होगा, माइनस लगाना होगा, ठीक है ना, इसीलिए क्या लगाया हमने माइनस dU by dr, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इधर बढ़ रही होगी ना उसके अपोजिट, अरे यार ये बात समझ लो, इसका ये मीनिंग हुआ। चाहे तो लिख भी लो इसको अपने वर्ड्स में, कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ डिग्री द पोटेंशियल एनर्जी, अरे ठीक है ठीक है लिख लो, कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ डिग्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एड्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जिधर बच्चों बढ़ रहा होगा ना आगे पोटेंशियल एनर्जी के अपोजिट लेंगे, ये सभी पर आपका ट्रू है। स्प्रिंग फोर्स का एग्जांपल लूं, मान लो स्प्रिंग है ठीक है, तुमने क्या किया इसको कंप्रेस किया, इस स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी ध्यान देना यू क्या था बच्चों, हाफ के एक्स फाइनल का स्क्वायर माइनस एक्सटेंशन का स्क्वायर, ये था ना बच्चों। मान लो एक्स इनिशियल क्या है आपका जीरो, क्या मान लो एक्स इनिशियल जीरो,
शुरुआत में मान लो आपका ग्रेजुअल लेंथ में, और x फाइनल क्या हो गया x, तो ये क्या हो गया हाफ ex स्क्वायर, अरे था कि नहीं था। अच्छा बताओ अगर मैं और कंप्रेस करूंगा तो x और बढ़ेगा, x क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल और बढ़ेगी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बच्चों और बढ़ेगी, तो इधर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, बट फोर्स पता लग रहा है लग रहा है ना बच्चों, और इसको डिफरेंशिएट करो du / dx करो क्या आएगा बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर, अरे आएगा नहीं आएगा पर, अरे हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल कितना आ जाएगा k माइनस कर दे तो यही तो फोर्स आते नहीं आता स्प्रिंग फोर्स, अरे लिखवाया ना f इक्वल टू क्या लिखवाया माइनस, ये तो लिखवाया ना, अरे रिलेट कर पा रहे नहीं कर पा रहे बच्चों, तो कोई नया एक्सप्रेशन नहीं लिख पा रहे हैं आप, ठीक है ये तो टेंशन एनर्जी है, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो उसमें भी आएगा, उधर ही बता दूंगा सेम एक्सप्रेशन है, ठीक है अरे आ गया। अब इसका वेक्टर फॉर्म बच्चों लिख सकते हैं, इसमें पहले स्केलर फॉर्म लिखा बताया ना, ठीक है तो क्या लिखोगे एफ इक्वल टू क्या होगा बच्चों ध्यान देना, मैंने बताया ना डी आर किधर है बच्चों आपका फोर्स की डायरेक्शन तभी आ रहा है एक्सप्रेशन, अरे तभी आ रहा है ना, तो अगर मान लो बच्चों आर आपका कोई मान लो पार्टिकुलर डायरेक्शन में ना, तो क्या करोगे आप भाई एक्स डायरेक्शन में क्या लोगे एक्स वाले कंपोनेंट ले लोगे, वाई डायरेक्शन में क्या लोगे वाई वाले कंपोनेंट ले लोगे, जेड डायरेक्शन में क्या लोगे जेड वाले कंपोनेंट ले लोगे, अरे ठीक है बच्चों तो मतलब एफ क्या होगा आपका डी वाई डी एक्स एक्स क्या है, मतलब इसमें क्या है बच्चों सिर्फ एक्स वाला वेरिएशन लेंगे तो कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा मेरा एक्स कंपोनेंट, और अगर मुझे y कंपोनेंट पता करना है क्या करना होगा dy dy करना होगा, ये क्या आ जाएगा j क्या है, और क्या करना होगा z के लिए क्या करना होगा dy dy, ठीक है अरे भाई यही है ना माइनस f इक्वल टू क्या है माइनस dy dr, x के लिए क्या हो जाएगा बच्चों dy del x, इसको del बोलते हैं ऐसे, ठीक है ना del uy del x del uy del y j के लिए क्या आ गया y कंपोनेंट आ गया, और ये क्या आ गया बच्चों जेड कंपोनेंट आ गया, अरे इसी का एक्सटेंशन है ना, अरे आ रही बात समझे, अरे बोल तो ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है अभी तक, यस सर लिख लो, अरे क्लियर है लिखना तीन कॉलम बना लो बच्चे अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स देखो जो अर्थ का एग्जांपल लेते हैं सेंटर ऑफ फोर्स मतलब यहाँ पर मार, ठीक है ये मान लो यहाँ पर बच्चों मान लो कोई बॉडी है डीयू बाई डी आर कर रहे हैं, डीयू बाई डी आर मतलब पोटेंशियल एनर्जी का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखो बच्चों अगर ऊपर जाएंगे तो क्या होगा डी आर भी क्या होगा बढ़ेगा, डी आर क्या होगा पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या बढ़ेगी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो du भी क्या आएगा पॉजिटिव, तो du / dr क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा,
अरे आई नहीं आएगा बच्चों, अरे क्या आएगा पॉजिटिव। अब सोचो बताओ इसमें फोर्स कैसा है बच्चों, अर्थ कैसा फोर्स लगा के अट्रैक्टिव की रिपल्सिव अट्रैक्टिव। तो अगर डी यू बाई डी आर पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा है अट्रैक्टिव, अरे कह सकते हैं ना। उल्टा होगा तो क्या होगा रिपल्सिव, अगर कोई चेंज नहीं होगा तो क्या होगा ठीक है बस यही है। या एफ क्या है बच्चों आपका माइनस डी यू बाई डी आर है, एफ क्या है बच्चों माइनस डी यू बाई डी आर है। अगर डी यू बाई डी आर पॉजिटिव होगा तो एफ क्या होगा नेगेटिव होगा, अगर एफ नेगेटिव है तो फोर्स क्या है आपका अट्रैक्टिव ठीक है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं बच्चों अट्रैक्टिव फोर्स में क्या होगा डी यू बाई डी आर क्या होगा ग्रेटर देन जीरो और एफ क्या होगा आपका लेस देन जीरो ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चों डी यू बाई डी आर आपका लेस देन जीरो होगा या एफ क्या होगा ग्रेटर देन जीरो। इसमें क्या होगा बच्चों डी बाई डी आर क्या आएगा जीरो आएगा। स्लोप जानते ना बच्चों, अच्छा जब ढलान होता है बताया था ना मैंने स्लोप पॉजिटिव होता है, जब ढलान होता है स्लोप क्या होता है नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर बताओ ये जो ग्राफ बनाया ना शुरुआत में आपने, इसमें मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं ठीक है, तो बताओ ए बी रीजन है बच्चों डी बाई डी आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ए बी रीजन ए बी क्या ढलान है बच्चों स्लोप क्या है। ऐसा सोचो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये बच्चा एंगल क्या है ग्रेटर देन 90, तो क्या है आपका स्लोप नेगेटिव, तो फोर्स क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव, ऐसा फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स। और कौन सा रीजन बताओ इसमें रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स और जिसमें अट्रैक्टिव फोर्स है क्या लिखेंगे इसमें कौन सा रीजन है बच्चों अट्रैक्टिव वाला, नहीं ये भी नहीं था बी सी और डी था ना, रिपल्सिव किसमें था ए बी, अरे भाई ए बी है ए बी है क्या था सी डी, अरे भाई डी यू बाई डी आर लेस देन जीरो किस में था, इसमें घट रही है देख लो ठीक है। अब देखो बच्चों ए बी क्या था, ए बी में घट रहा था, ए बी में क्या है बच्चों आपने क्या लिखा है अरे देख लो इसको लिख लो पहले, रीजन बी सी एंड डी में अट्रैक्टिव फोर्स है फिर लाया सारे बच्चों यहाँ पर देखो अच्छा बीसी में क्या है बच्चों आपका अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि डी यू बाई डी आर क्या आपका क्या था बच्चों देखो रीजन ए बी में क्या था आपका डी बाई डी आर क्या था नेगेटिव था, तो फोर्स क्या हो रहा है पॉजिटिव, कौन सा फोर्स है रिपल्सिव। सीडी में भी क्या था बच्चों वही था, देखो वही लिखा है ना आपने, ए बी और सीडी में क्या है रिपल्सिव फोर्स लिखा है ना, और बीसी और डी में क्या है अट्रैक्टिव फोर्स। अब देखो बच्चों डी यू बाई
डी आर अगर क्या है बच्चों जीरो है, इसका मतलब क्या है नो no. कौन कौन से पॉइंट्स है जहां पर डी बाई डी आर क्या है जीरो है बताओ बच्चों। अरे भाई बी पर अगर टेंजेंट खींचो तो स्लोप किधर आ रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब क्या है इसका स्लोप जीरो। सी पर भी क्या है बच्चों जीरो, डी पर भी क्या है जीरो, ई पर भी क्या है जीरो। तो इक्विलिब्रियम वाले कौन से पॉइंट्स हो गए बच्चों बी सी डी ई। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कौन से हो गए बी सी डी ए कौन से हो गए बी सी डी ए। अच्छा इक्विलिब्रियम भी डिफरेंट टाइप की होती है ठीक है, और इक्विलिब्रियम भी डिफरेंट टाइप की होती है। तो एग्जांपल समझते हैं, देखो बच्चों मान लो तुमने यहाँ पर एक बॉल रख दी ठीक है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर छोड़ दो तो इधर ही रुकी रहेगी। अरे ठीक है, अगर मान लो तुमने इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो किधर आ जाएगी अपनी भाई, फिर से अपनी वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगी, अरे आ जाएगी ना। तो ये क्या है बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये फिर से अपनी इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने की कैपेसिटी करती है ठीक है ना। जिधर डिस्प्लेस करोगे फोर्स क्या लगेगा उसके अपोजिट ठीक है। ये क्या है बच्चों आपका क्या है अनस्टेबल, जिधर थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो क्या आएगा बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आएगा ठीक है। तो ये क्या है बच्चों क्या है बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये क्या है बच्चों न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्या है न्यूट्रल, डिस्प्लेस करो जितना डिस्प्लेस करोगे उतना ही चला जाएगा बाकी कोई असर नहीं करेगा। तो क्या है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ठीक है। अब यहां पर बताओ पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इसमें मिनिमम किसमें है, ये मिनिमम है कि नहीं फर्स्ट वाला केस, और ये क्या बच्चों मिनिमम है, मैक्सिमम किसमें है अनस्टेबल वाले। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कोई भी सिस्टम क्या करता है बच्चों इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करता है अपनी एनर्जी कम करना चाहता है, अरे पढ़ा होगा ना भाई ठीक है, क्योंकि भाई ये क्या है अनस्टेबल स्टेट में है हाई एनर्जी है, और ये क्या बच्चों आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ठीक है, ना मैक्सिमम है ना तो मिनिमम। इक्विलिब्रियम के लिए क्या था बच्चों डीयू बाई डी आर क्या था तुम्हारा जीरो, डी बाई डी आर क्या था जीरो। अच्छा मैक्सिमम केस में क्या होता है बच्चों बताओ, डिफरेंट चीजें पढ़ा है ना अपने, मैक्सिमम केस क्या होता है डी टू यू बाई डी आर टू क्या है हाँ मैक्सिमम सॉरी मिनिमम केस है ना, मिनिमम केस में क्या होता है डी टू यू बाई डी आर ग्रेटर देन, अरे ग्रेटर देन जीरो होता है ना बच्चों, अरे भाई वाई वर्सेस एफ एक्स में मैक्सिमम होने के लिए क्या करते थे डी बाई डी एक्स जीरो करते थे, मैक्सिमम केस में क्या आता था डी टू यू बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या आता था बच्चों लेस देन जीरो आता था मैक्सिमम, और मिनिमम में क्या आता था ग्रेटर देन जीरो आता था। यहाँ पर ये कह रहा है ना तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या आएगा बच्चों डी टू बाई डी आर टू ग्रेटर देन जीरो आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मिनिमम। इसमें क्या आएगा डी यू बाई डी आर तो जीरो आएगा ही बच्चों, बट क्या आएगा आपका डी टू यू बाई डी आर टू क्या आएगा लेस देन जीरो, और न्यूट्रल वाले में क्या आएगा बच्चों अरे न्यूट्रल वाले में क्या आएगा दोनों जीरो होंगे, अरे दोनों क्या होंगे जीरो होंगे, डी यू बाई डी आर भी क्या होगा जीरो। अरे भाई इक्विलिब्रियम में तो है ही ना, तो डी यू बाई डी आर तो जीरो होगा ही, प्लस क्या होगा डी टू यू बाई डी आर टू भी क्या होगा ये भी क्या होगा बच्चों ठीक है। तो लिखो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ग्रीन डाल दो बच्चों टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम,
ठीक है, पहले लिखो सेवन इक्विलिब्रियम, इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, if we displace particle from, लिख लो, if we displace particle from its equilibrium position, if we displace particle from its equilibrium position, then a force acts, then a force acts to restore body, to restore body's equilibrium position, to restore body's equilibrium position, ठीक है? To restore के लिए पैटर्न, to restore मतलब इसमें restoring force करता है, अरे ठीक है? उसमें क्या होगा बच्चों? अरे stable वगैरह के देखो, stable तो कौन? equilibrium position, then particle experiences a large displacement in same direction, ठीक है? तीसरा लिखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, इससे बता न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी आपकी? मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है ना, उन्होंने क्या कर दिया इसको ऐसे प्लेन सरफेस पर रख दिया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी इसमें, ठीक है? ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में लिखो, इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट, in this case potential energy is constant, ठीक है, इसका रिलेशन मुझे नहीं पता, अरे ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखो, BCTE क्या थे सारे आपके, इक्विलिब्रियम पोजीशन थे, अब आपको ये बताना हो कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा बच्चों स्टेबल वाला है? बी, बी में देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, मिनिमम है, और डी में भी क्या है, मिनिमम है, तो बी और डी क्या है, स्टेबल हो गए, अरे क्या हो गए, स्टेबल, सी क्या हो गया, अनस्टेबल, ई क्या हो गया, न्यूट्रल, अरे यहाँ पर देखो आपको फ्लैट आ रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है, ये कांस्टेंट हो गया है, क्या लिखेंगे बच्चों, क्या अभी लिखना नहीं, स्टेबल वाले में क्या लिखेंगे, अरे बताओ कौन से पॉइंट्स है बच्चों, बी और पॉइंट्स बी एंड डी, अभी लिखना नहीं तुमको, बी कॉमा डी, अनस्टेबल वाले में और न्यूट्रल में क्या था, ठीक है। अब ये ग्राफ बना लो बच्चों, थोड़ा फिगर ढंग से बनाना, थोड़ा ये ऊपर लिखना है, ठीक है, डायग्राम समझ में आ जाएगा। चलो हाँ, परेशान नहीं करता,
बहुत ज्यादा जो चैप्टर है ना वर्क एनर्जी तो स्पेसिफिक नहीं हो जाता, बट काफी सारे चैप्टर्स में ये इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सब्जी होती है ना, आलू में सब्जी में डाला जाता है, क्या है सब्जी का आलू। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो अगर आ रही है ठीक से? यस सर। ठीक है, अभी तक तो चार्ज भी हो गया होगा। ठीक है, देख लिया ना। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, मतलब दो करते हैं। मान लो बच्चों यू क्या है, ए अपॉन आर टू द पावर 6 माइनस बी अपॉन आर टू द पावर 12। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, मतलब क्या है आपका, ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0। लिखो फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कौन सा टाइप है बच्चों, स्टेबल या अनस्टेबल, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, और क्या बच्चों आपका, एंड पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम एंड पोटेंशियल यू एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कहां ए अपॉन आर टू द पावर 6 माइनस बी अपॉन आर टू द पावर 12, ये लिखो। ए और बी क्या है आपका, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ए और बी ग्रेटर देन 0 है। इक्विलिब्रियम पोजीशन बताना है, टाइप कौन सा, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, और क्या बताना है, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अरे भाई इक्विलिब्रियम के लिए क्या करोगे बच्चों, फोर्स की वैल्यू क्या करोगे, 0, यही होता है ना। अरे पहले करो यार, तुम पूछते मुझसे काय हो, मैं तुमसे पूछा हूँ। एफ इक्वल टू क्या करो बच्चों, डी यू बाई माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है, डिफरेंशिएट करो उसको, 0 कर दो तो क्या आ जाएगा। अरे भाई इक्विलिब्रियम में फोर्स 0 होता है ना, तो एफ निकालो, एफ क्या होगा भाई, माइनस डी यू बाई डी आर निकालो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। आधे लोगों को नहीं आ रहा डिस्प्ले डिफरेंशिएशन, आया किसी का इक्विलिब्रियम पोजीशन, बताओ आर की वैल्यू क्या इक्विलिब्रियम पर। हाँ वही तो है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो क्या निकाला तुमने, कांस्टेंट के टर्म्स में नहीं आएगी, वही तो निकालना है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो क्या निकाल लिया तुमने,
पहले कैसे निकाली डी टू बाई डी एक्स टू, डी यू बाई डी आर निकालोगे तो जीरो करोगे तब इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, वहां पर रखना होगा तो मूल जलून पता नहीं कैसे, तुम्हारा एटीट्यूड गड़बड़ है बहुत। मैं बता रहा था तुम किसी तरह आंसर निकालने की कोशिश करते हो, मैच हो जाए ठीक है ना, मजा आ जाए, मैच हो जाए बस। एफ इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी यू बाई डी आर माइनस, देखो बच्चों आर की पावर माइनस सिक्स है ना, तो माइनस सिक्स क्या होगा आगे आएगा और क्या होगा पावर में घट जाएगा, तो क्या बचेगा आर टू द पावर माइनस सेवन है, नीचे आर टू द पावर सेवन आ जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका माइनस बच्चो ट्वेल्व है ना पावर, तो माइनस ट्वेल्व आगे आ जाए क्या आ जाएगा प्लस ट्वेल्व हो जाएगा। बी आर टू द पावर क्या होगा बच्चों, ट्वेल्व माइनस वन, माइनस ट्वेल्व माइनस वन क्या होगा थर्टीन, थर्टीन मतलब नीचे क्या आ जाएगा आर टू द पावर थर्टीन, ये आ गया ना, इसको क्या करना है तुमको आप जीरो करना है ठीक है, तो क्या करोगे इसको जीरो करोगे तो क्या आएगा बच्चों आपका सिक्स ए अपॉन आर टू द पावर सेवन। एफ इक्वल टू क्या कर दो, अगले पेज पर लिख रहा हूं देखो, ये अंदर वाला आया बच्चों डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर क्या है माइनस सिक्स ए अपॉन आर टू द पावर सेवन प्लस फॉर इक्विलिब्रियम डी यू बाई डी आर क्या है आपका जीरो, अरे होगा ना, तो क्या होगा आपका सिक्स ए अपॉन आर टू द पावर सेवन किसके बराबर होगा बच्चों ट्वेल्व ए अपॉन आर टू द पावर थर्टीन के, तो कितना आ जाएगा ये आर टू द पावर थर्टीन अपॉन आर टू द पावर सेवन कितना आ जाएगा ट्वेल्व बी बाई सिक्स ए मतलब टू बी बाई ए, तो ये सेवनटीन माइनस सॉरी थर्टीन माइनस सेवन क्या होगा आर टू द पावर सिक्स इक्वल टू टू बी बाई ए, तो आर क्या देगा बच्चों टू बी बाई ए टू द पावर वन बाई सिक्स, ये क्या दे देगा आपका इक्विलिब्रियम पोजिशन, ये आ गया, ये तो पूछा गया था इक्विलिब्रियम पोजीशन, और क्या पूछा गया था आपसे टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए क्या कर लो बच्चों डी टू यू बाई डी आर टू निकाल लो, सो डी टू यू बाई डी आर टू निकालोगे तो क्या आएगा बच्चों बोलो माइनस सिक्स ए सॉरी माइनस सेवन आगे आ जाए कितना जाएगा बच्चों ये अपना, अरे कितना जाएगा फोर्टी टू, 42 a upon r to the power 8 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों 13 into 12 कितना होगा बच्चों बोलो भाई, इतनी देर में आ गया ठीक है ओके हो गया। अब बताओ इसमें क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे आप इसकी वजह रखोगे आर की वैल्यू रखोगे, रखो इसमें, अब देखो आर की वैल्यू इसमें रखोगे तो क्या आएगा आपका बड़ा है छोटा आएगा, आपको ये निकालना है पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, कैसे निकालोगे बताओ, अरे वैल्यू रखो कैसे, पहले लिख लो अगर जिन्होंने नहीं लिखा है, जिन्होंने नहीं लिखा इसको लिख लो भाई, ये लिख लिया था ना, ये लिख लिया था ओके। देखो बच्चों आर ऐसा करो, अरे भाई सुन लो, ऐसा करो ना आप कैसे करोगे, अब ये कॉमन सेंस है, पहली बात तो पहले लिखो इतना, पहले लिखो बता रहा हूं जल्दी छाप लो, आर देखो क्या है बच्चों 2b by 8 to the power 1 by 6 है, मतलब r आपका पॉजिटिव है ना, अरे भाई b और a पॉजिटिव है तो r क्या है आपका पॉजिटिव है, पहले लिख लो इतना, क्या लिख लिया सोचो कैसे करेंगे इसको सॉल्व इजीली,
जिससे हमका साइन पता चल जाए बच्चों हमारा कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। आर टू द पावर सिक्स आराम से पता कर सकते हो ना, आर टू द पावर सिक्स क्या है, टू बी बाई एट। यहाँ पर अगर आर टू द पावर एट अगर कॉमन ले लोगे तो पहले वाले में तो आपका वन समथिंग बन जाएगा, दूसरे वाले में आर टू द पावर सिक्स आ जाएगा। करके देखो, लिख लिया ना, क्या आया बच्चों, डी टू यू बाई डी आर टू क्या आया है, 42 माइनस 14 आया ना, क्या बच्चों 14। क्या करो आप बच्चों, 6 से कट रहा है, 6 ए अपॉन आर टू द पावर 8 आप कॉमन ले लो, यहां पर क्या बचेगा आपका 7। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बच्चों, डिवाइड करना, ये बताया था मैंने आपको, क्या होता है डिवाइड करना। डिवीजन क्या होता है उल्टे से, मल्टीप्लीकेशन। अरे बताया भाई, डिवीजन क्या होता है उल्टे से, मल्टीप्लीकेशन। आर टू पावर एट अपॉन सिक्स ये करना है आप। अरे डिवीजन क्या होता है उल्टे से, मल्टीप्लीकेशन। तो नीचे क्या आ जाएगा, आर टू द पावर सिक्स, और ये क्या बच्चों आपका बी बाई सिक्स ए है ना। सिक्स से कट करो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा 20, ये आ गया सिक्स। देखो ये तो पॉजिटिव है ना बच्चों, सिक्स ए अपॉन आर टू द पावर एट, 7 माइनस 26 बी बाई ए, और आर टू द पावर सिक्स क्या था बच्चों, 2 बी बाई ए था। उल्टा क्या है आपका, ए बाई 2 बी होगा ना, अरे 1 बाई आर टू द पावर सिक्स है ना, क्या होगा बच्चों ए बाई 2 बी होगा। तो ए क्या हो गया, कट गया, बी से बी कट गया, 13 आ गया, तो कितना होगा बच्चों माइनस 6 क्या आएगा, माइनस 36 ए अपॉन आर टू द पावर 8। क्या ये बच्चों आपका लेस देन जीरो है, अरे है ना लेस देन जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है आपकी स्टेबल, अरे क्या है स्टेबल। डी टू आई डी आर टू नेगेटिव, सॉरी अनस्टेबल होगा, मैक्सिमम आ रहा है ना बच्चों, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी अनस्टेबल, क्योंकि क्या आ रहा है बच्चों आपका, अरे मैक्सिमम आ रहा है ना बच्चों, डी टू यू बाई डी आर टू क्या है आपका लेस देन जीरो, मतलब क्या है आपका यू मैक्सिमम, तो कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी अनस्टेबल। ठीक है, अरे हो गया भाई जल्दी से, आप लोग किसी ने नहीं लिखा है तो इसके बाद कुछ था नहीं, ध्यान देना, ये शायद पूछा गया है किसी कम्युनिटी एग्जाम में जहां तक मुझे याद है, यहाँ पर तो आप कॉमन सेंस यूज करना था कैसे करें सब कुछ, अरे कैलकुलेशन ही है ना। क्या लिख लिया ऑनलाइन वाले बच्चों, लिख लिया अनित भाई, लिख लिया ठीक। अब बच्चों तीसरा पार्ट क्या था, पोटेंशियल एनर्जी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। यू क्या था बच्चों आपका, ए अपॉन आर टू द पावर सिक्स माइनस बी अपॉन आर टू द पावर 12। तो आर टू द पावर सिक्स क्या है बच्चों, 2 बी बाई ए, तो मतलब उल्टा क्या हो जाएगा ए बाई 2 बी माइनस ए। बच्चों देखो आर टू द पावर सिक्स का होल स्क्वायर है, मतलब ए बाई 2 बी का क्या है होल स्क्वायर, तो यू क्या आएगा बच्चों ए स्क्वायर बाई 2 बी माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, ये ए स्क्वायर बाई 4 बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 बी, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 बी। अरे पॉजिटिव आ रहा है ना बच्चों, मतलब क्या होगा इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी मैक्सिमम होगी, अरे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम होगी, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, ध्यान देना इसमें नेगेटिव भी पॉसिबल हो सकता है बट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है आपकी पॉजिटिव आ रही है। हो गया बच्चों,
एक आपको शानदार क्वेश्चन दे दे, क्या लिख लिया? ठीक लिखो, क्वेश्चन लिखो बच्चों। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाई, इज गिवन बाई u इज इक्वल टू 6x प्लस 8y, u इज इक्वल टू 6x प्लस 8y, वेयर xy आर कोऑर्डिनेट्स इन मीटर, वेयर xy आर कोऑर्डिनेट्स इन मीटर, ठीक है, SI यूनिट्स में है। लिखो, if body is rest initially at 6, if body is rest initially at 6, 4, ठीक है ना, इस कोऑर्डिनेट पर क्या थी बच्चों आपकी, रेस्ट पर थी, ठीक है ना, देन इट विल क्रॉस वाई एक्सिस, इट विल क्रॉस वाई एक्सिस एट टाइम टी, at time t equal to what, ठीक है ना, किस टाइम पर क्रॉस करेगी, ठीक है। देखो बच्चों क्या है, बताओ पहले बात सिचुएशन समझो, ये क्या था, इनिशियल पोजीशन था ना, अरे ठीक है, और क्या था, u क्या था आपका, जीरो था, ये कह रहा है, ओके। अब कह रहा कब आपका वाई एक्सिस क्रॉस करेगी, वाई एक्सिस क्रॉस करने का मतलब क्या है बच्चों, शुरुआत में ऐसे समझो इसको, ये कुछ ऐसा है ना, वाई और एक्स पॉजिटिव मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये क्या है बच्चों तुम्हारा 6 और ये क्या है तुम्हारा 4, यही है ना, सिचुएशन को विजुलाइज करना आना चाहिए हमको, ठीक है। अब बताओ इस पर फोर्स जो है बच्चों, मैंने बताया था ना फोर्स उधर लगता है पोटेंशियल एनर्जी घटने की डायरेक्शन में, अगर एक्स बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, तो किधर लगेगा फोर्स, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, इससे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा एक्स वाला, और वाई भी बढ़ाओगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्या करता है वो, घटाने का प्रयास करता है, किधर लगेगा बच्चों, एफ वाई किधर लेगा, क्रॉस जब करेगा बच्चों वाई एक्सिस को ऐसे क्रॉस करेगा, समथिंग मान लो ऐसे क्रॉस कर रहा है भाई, रिजल्टेंट पाथ ऐसे होगा, यहां पर क्रॉस कर रहा है, यहां पर क्रॉस कर रहा है जब, तो सोचो क्या हो रहा है बच्चों, इससे मैथमेटिकल पॉइंट क्या निकाल पा रहे हो, क्या वाई के बारे में कुछ कह पा रहे हो आप, y कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ कह पा रहे हो, नहीं, x कोऑर्डिनेट के बारे में कुछ कह पा रहे हो आप, जब क्रॉस कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट कितना है, अरे x कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो, अरे जब क्रॉस कर रहा है बच्चों तो x कोऑर्डिनेट कितना है, अरे y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो, तो कितना x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों, अरे 6 मीटर हो रहा है, नहीं हो रहा, जब ये डायग्राम बनाओगे तभी हो पाएगा, अरे x एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 6, अब फोर्स x एक्सिस निकालो बच्चों, y fx क्या होगा बच्चों, बताया था ना माइनस du by del, del था ना, del करते हैं बच्चों जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो सिर्फ x वेरिएबल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट, अरे क्या होते हैं, कांस्टेंट, माइनस del by del x, क्या हुआ भाई, अस्थमा तो नहीं है, 6x प्लस 8y, बच्चों पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो 6x का डिफरेंशियल क्या आएगा, 6, अरे आ जाएगा, अनुश्री लिखो नहीं, अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा,
एफ एक्स कितना आ गया 6, एफ वाई निकालना चाहो कितना आ जाएगा आपका -8 आ जाएगा। अरे करोगे ना तो कितना आ जाएगा एफ वाई सिमिलर, एफ वाई क्या होगा माइनस डी यू बाई डी वाई, कितना आ जाएगा बच्चों अरे आ गया। अब फोर्स कांस्टेंट है बच्चों, एक्सेलरेशन भी क्या होगा कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बताया था ना, आपकी आंखें चमक जानी चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ये क्या 6 मास कितना है 3 m/s² तुमसे क्या पूछा है बच्चों s is equal to ut plus half a t square, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों x एक्सिस में 6, u कितना है a कितना है तो कितना हो जाएगा बच्चों t² = 4, ये कितना आ जाएगा 2 सेकंड, कितना आ जाएगा 2 सेकंड। अच्छा इसमें कुछ और ऐड कर लो ठीक है ना, फाइंड y कोऑर्डिनेट एट दिस इंस्टेंट, लिखो इसमें कुछ और ऐड कर लो, फाइंड y कोऑर्डिनेट एट दिस इंस्टेंट, फाइंड y कोऑर्डिनेट एट दिस इंस्टेंट ठीक है, अभी लिखना नहीं। देखो बच्चों ये एस एक्स था ना बच्चों एट दिस इंस्टेंट, ये लिखोगे ना ओके तो सोचो एस वाई पता कर सकते हो ना, ध्यान देना पोजीशन नहीं बताएगा वो, डिस्प्लेसमेंट बताएगा तुम्हारा, क्या बताएगा डिस्प्लेसमेंट। ए वाई कितना होगा बच्चों, ये तो ए एक्स था ना, क्या था ये ए एक्स था, तो ए वाई कितना होगा एफ वाई बाई एम, एफ वाई कितना था बच्चों कितना आ जाएगा 4 m/s², तो एस क्या होगा बच्चों एस वाई क्या होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई, यही होगा यू वाई तो बच्चों क्या है आपका 0 है, ए वाई कितना है 4 t² टी कितना है किस इंस्टेंट पर क्रॉस कर रहा है 2 सेकंड पर, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 8, कितना आ जाएगा 8 m। ध्यान देना आप किधर होगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट, ये नीचे वाली डायरेक्शन में, मतलब क्या है ये सोचो यहां पर था बच्चों ना, अरे ये 4 m ऊपर था ना बच्चों, अभी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है माइनस वाई डायरेक्शन में 8 m, तो मतलब कहाँ होगा बच्चों ये -4 पर होगा ना, अरे भाई 4 m नीचे क्या होगा ये -4 m, अरे भाई वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 4 - 8 कितना होगा बच्चों -4 m, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4 m, कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों 0, -4, और भाई x क्या है आपका 0, y क्या है -4 ठीक है। अब लिख लो, अरे भाई आपको काफी कुछ सिखाया ये, मेरे पास करियर पॉइंट की मॉड्यूल है, अगर किसी को चाहिए तो बता देना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें, ये भी है मतलब यही कर लो तभी ठीक है, अगर मान लो ये तुमसे हो जा रही है उसके बाद टाइम बच रहा है, किसी के पास नहीं बच रहा होगा वैसे। जल्दी से जो थोड़ा सा मुझे एक बार की नई थ्योरम बतानी है, डन हो गया, ये डायग्राम बना लेना बच्चे। नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आप होमवर्क दिया था, हो गया।
हो गया नहीं हुआ बगल वाली से तुम्हारा भी नहीं हुआ भाईचारा दिखाओ भाई क्या लिख लिया ठीक है अरे नालो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम साथ साथ लिखना मेरे वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें क्वेश्चंस हैं दे दूंगा काफी सारे करने होंगे देखो बच्चों क्या कहता है ये ठीक है लिखो इफ मोर देन वन फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इफ मोर देन वन फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन बॉडी देन नेटवर्क डन विल बी देखो बच्चों नेटवर्क डन क्या होगा मान लो पहला वाला फोर्स जो F1 बच्चों वर्क कर रहा है दूसरा वाला क्या कर रहा है F2 वर्क कर रहा है अरे स्केलर क्वांटिटी है ना बच्चों डायरेक्ट जोड़ सकते नहीं जोड़ सकते F1 क्या होगा बच्चों ये F1.ds F2 क्या होगा F2.ds प्लस क्या होगा डॉट डॉट आपका ऐसा होगा ठीक है अब ध्यान देना बच्चों पॉइंट मास है ना पॉइंट पार्टिकल है इसके लिए हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा मैंने आपको बताया था अगर मान लो बॉडी एक्सटेंडेड है तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकता है अरे रॉड वाला बताया था ना ठीक है यहां पर क्या है बच्चों आपका ये पॉइंट मास है ऐसा मानना ठीक है तो क्या होगा बच्चों ऐसा लिख सकते हैं इसको F1 प्लस F2 प्लस डॉट डॉट अरे भाई ds कॉमन है नहीं कॉमन है बच्चों डॉट ds ये क्या बता रहा है अंदर वाला टर्म बच्चों नेट फोर्स बता रहा है नहीं बता रहा अरे बता रहा है ना बच्चों तो क्या होगा ये F net डॉट ds लिखो जल्दी यहां से एफ नेट क्या होगा बच्चों एम ए होगा नहीं होगा अरे होगा ना ए डॉट डी एस ऐसा लिखते हैं एम ए डॉट डी एस यही होता है ना न्यूटन सेकंड लॉ बच्चों जब मास कांस्टेंट है तो क्या लिख लिया ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया ना चेंज कर दे स्लाइड ठीक है देखो बच्चों मैंने आपको थर्ड इक्वेशन पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ाया था मैंने v square equal to u square plus 2as नहीं पढ़ाया था मैंने हाँ ठीक है u बच्चों कांस्टेंट टर्म है ना अरे u क्या बच्चों आपका कांस्टेंट टर्म है a भी क्या बच्चों कांस्टेंट है अरे a क्या है आपका कांस्टेंट है अरे भाई एक्सप्लेनेशन कांस्टेंट तभी तो ये इक्वेशन आता था याद है तो अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं ऐसा कर दो मान लो ऐसा करूं मैं क्या आएगा बच्चों v स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा 2v और क्या आएगा dv u तो बच्चों कांस्टेंट है तो जीरो ये क्या आएगा 2a और भाई s का डिफरेंशियल 1 क्या जुड़ेगा ds तो v dv क्या आ गया बच्चों a डॉट ds अरे आ ही नहीं आ गया बच्चों तो जो तुमने एक्सप्रेशन लिखा है नेटवर्क डन क्या लिखा है तुमने m a डॉट ds लिखा है ना उसकी जगह क्या लिख दो बच्चों एम वी डी वी लिमिट क्या रखोगे शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी मान लो वी और बाद में क्या हो गई वी तो बच्चों वी डी वी का इंटीग्रल क्या होगा एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू यहां पर क्या आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू यू से वी
तो v रखोगे बच्चों क्या आ जाएगा, v स्क्वायर, फिर क्या रखोगे u स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दो हाफ एम v स्क्वायर माइनस हाफ एम u स्क्वायर। ये क्या बता रहा है बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बता रहा है। तो नेट वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लॉजिकल है बच्चों। मान लो कोई बॉडी है, तुमको उसे काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है, जाहिर से बात तुम उसको पुश करोगे उसकी डायरेक्शन मोशन में तो स्पीड बढ़ जाएगी, अपोजिट करो क्या होगा कम हो जाएगी। अगर स्पीड बढ़ा रहे हो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। इनिशियल ज्यादा होगी तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आपका बच्चों जो वर्क है मोशन के अपोजिट हो रहा है, वर्क डन निगेटिव होगा, स्पीड घटेगी, तो क्या आएगा वर्क डन आपका निगेटिव आएगा। अरे शुरुआत में जब पॉजिटिव वर्क डन तुमको बताया जा रहा था उसमें देखो लिखा है मोशन को जो सपोर्ट कर रहा है, अगर बच्चों बढ़ रही है स्पीड मतलब मोशन को क्या कर रहा है सपोर्ट कर रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा पॉजिटिव। अगर घट रही है तो मोशन का अपोज कर रहा है, कोई वर्क नहीं कर रहा जीरो है, तो क्या आ जाएगी इनिशियल फाइनल सेम आ जाएगी। अरे ठीक है ना, ओके, अरे आ गया बच्चों समझ में, ठीक है। अब ध्यान देना नेटवर्क डन में लिख लिया था ना ये, ठीक है। उसका बहुत ध्यान रखते हो तुम, अच्छा हो गया ठीक है। अच्छा बच्चों इसमें क्या है आपके नेटवर्क डन में क्या है, एक्सटर्नल फोर्सेस भी है प्लस कंजर्वेटिव वाले भी है प्लस नॉन कंजर्वेटिव वाले भी है, सारे है ना। ये क्या है आपका के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। अब ध्यान देना डब्ल्यू कंजर्वेटिव वालों को बच्चों मैंने क्या लिखा था, शॉर्टकट के लिए निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था कि नहीं था, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस माइनस में क्या लिखोगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यही है ना, प्लस डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो बच्चों देखो यहां पर माइनस यू फाइनल है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस यू फाइनल, और यहां पर प्लस यू इनिशियल है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना उधर, तो के ई फाइनल प्लस क्या आ जाएगा बच्चों यू फाइनल, अरे आगे नहीं आ गया बच्चों, और के माइनस क्या हो गया के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ये क्या बता रहे बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी बताता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या है, ये मैकेनिकल एनर्जी e फाइनल माइनस e इनिशियल। जल्दी से लिखो, हाँ एक मिनट, अरे हो गया ना बच्चों, अरे ठीक है बच्चों लिख लिया, ठीक है लिख लिया ना, ठीक है ठीक है। लिख लो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हेडिंग डाल लो लास्ट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान देना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं है, ये क्या है मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, बट ये हमेशा कंजर्व नहीं रहती मैकेनिकल एनर्जी। अगर देखो बच्चों डब्ल्यू नॉन कंजर्वेटिव जीरो है, डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या है ये भी क्या है जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा जीरो, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ई फाइनल क्या आ जाएगा आपका इनिशियल, यही तो है। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा या वर्क डन नहीं कर रहा, एक्सटर्नल फोर्स भी क्या है जीरो है, तो क्या होगी आपकी एनर्जी क्या रहेगी आपकी कंजर्व रहेगी टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अरे ठीक है भाई, ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। ध्यान देना इस पे क्वेश्चन बच्चों अटेम्प्ट करना, मैंने इसीलिए थोड़ा सा ब्रेक लगा के इसको बता दिया था, ठीक है, इससे क्वेश्चंस अभी अटेम्प्ट करना नेक्स्ट क्लास।